नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुनिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर दो थाना क्षेत्र से चार शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आर्मी बहाली के दूसरे दिन 8 जिलों से तकरीबन 3200 अभ्यर्थी हुए शामिल। और 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर परीक्षा के सभी केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 के साथ भारी पुलिस बल की करेगी तैनाती। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर काटी व कट्टर थाना क्षेत्र से चार शातिर अपराधियों को हथियार के साथ जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से दो अपराधी मुथुट फाइनेंस व अय्यापुर इलाके से 26 लाख लूट मामले में संलिप्त था। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान में जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर अय्यापुर व काटी थाना क्षेत्र से चार शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर लूट की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर सीटीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार अपराधियों के निशादेही पर अय्यापुर कटरा व कांटी थाना क्षेत्र से तीन और अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 4 गोली, 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की। मामले में शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर चार शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अपराधियों ने जिले में हुए लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध रोकथाम में बड़ी सफलता मिली है। नगर पुलिस अधीक्षक एवं डीएसपी टाउन को सूचना मिली कि कुछ अपराधी किसी अज्ञात स्थान पर इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की घटना को वारदात अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में विशेष टीम बनाई गई। विशेष टीम के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद में पूछताछ के पश्चात में चार अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि कटरा, अय्यापुर और काटी थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 3 कंट्री मेड वेपन, 4 राउंड गोलियां, मोबाइल और इसके अलावा 2 बाइक्स बरामद की गई हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से एक अपराधी ने मुथुट फाइनेंस में जो लूट हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार नगर पुलिस अधीक्षक की टीम को अपराधियों की रोकथाम में एक सफलता मिली। थैंक यू। संलिप्तता ये मुथुट फाइनेंस वाले घटना में, ये पूरी तरीके से ये काटी थाना क्षेत्र के रहने वाला ये अपराधी पूरी तरीके से इसमें शामिल था। ये घटना उस घटना में जो है मुथुट फाइनेंस में अंदर भी गया था, जिसने यहाँ पे लूटपाट की थी, जिस मामले में इसने कन्फेस किया। लूट की कोई रकम बरामद हुई है? रकम कोई नहीं बरामद हुई है अभी तक के। इसको जो है अभी हम लोग रिमांड पे लेंगे और फिर आगे किससे पूछताछ की जाएगी। चक्कन मैदान में आयोजित आर्मी बहाली के दूसरे दिन 8 जिलों के तकरीबन 3200 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से कुल 365 अभ्यर्थी सफल हुए। चक्कन मैदान में चल रहे सेना बहाली के दूसरे दिन शुक्रवार को कड़ाके की ठंड में आधी रात से ही लाइन में लगकर अभ्यर्थियों ने एंट्री लिया। अभ्यर्थियों की लंबाई, वजन एवं प्रवेश पत्र के बाद सैन्य अधिकारियों ने फायरिंग रेंज के पास बने टेंट हाउस से मैदान में एंट्री कराया। दूसरे दिन शुक्रवार को मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों के 3157 अभ्यर्थी शारीरिक दौड़ में शामिल हुए। इनमें से 365 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके बाद इन अभ्यर्थियों की लंबी कूद, बीम आदि की परीक्षा ली गई। भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बॉबी जसरोटिया ने बताया कि 4979 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन 3157 अभ्यर्थी ही पहुँचे। दौड़ में 365 अभ्यर्थी सफल हुए। इनकी मेडिकल जांच 31 जनवरी और 1 फरवरी को कराई जाएगी। समाहरणालय परिसर में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए होर्डिंग पर राजनीतिक पार्टियों को अब पोस्टर लगाना महंगा पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने चेतावनी देते हुए सभी पोस्टरों को हटवाया। जिले में डीएम के ही कार्यालय के आसपास सरकार
सरकारी बैनर और पोस्टर के ऊपर अपनी दलों के पोस्टर लगाना अब पड़ेगा महंगा। जिला प्रशासन के द्वारा लगाई गई एक सरकारी बैनर के ऊपर राजनीतिक दल की पोस्टर को लगाए जाने के बाद हरकत में आई जिला प्रशासन ने न सिर्फ अविलंब पोस्टर को हटाया गया बल्कि मामले राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को जवाब दिए जाने के साथ कार्रवाई की भी चेतावनी दी जाने की बात कही गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में बीते कई माह में लगातार ही मुजफ्फरपुर जिले के समाहरणालय में लगाई गई हुई एक राजनीतिक दल के पोस्टर को फाड़ कर हटाया गया है और इस मामले में कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है और इस बाबत चेतावनी भी दिया गया है कि लगातार जारी हुई चेतावनी के बाद भी नहीं समझ रहे कई दलों के नेताओं को अब पोस्टर लगाना पड़ेगा महंगा। कभी कभी ऐसा देखने में आ रहा है कि सरकारी होर्डिंग्स पे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा फ्लैग्स होर्डिंग लगाया जा रहा है जो कि बड़ा ही खेदजनक बात है। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में ये उखाड़ा गया है फ्लैग्स। आइंदा से यदि किसी तरह का किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा यदि सरकारी होर्डिंग पर फ्लैग्स लगाया जाएगा तो उन पर FIR की जाएगी और उन पर अग्रेतर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व भी सर पोस्टर हटाए गए इसके बावजूद भी, लेकिन नोटिस भेजा गया था, उन लोगों ने जवाब में दिया था कि आगे से नहीं होगी, बावजूद इसके लिए करते हैं तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तो फिर हम उनको नोटिस भेजने जा रहे हैं जिलाध्यक्ष को, पहले भी चिट्ठियां दी गई हैं हालांकि बहुत कमी आई है। आज से 2-3 साल पहले लगातार होर्डिंग्स दिखाई देता था सरकारी होर्डिंग्स पर फ्लैग्स। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की दूसरी पुण्यतिथि पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सिटी पार्क स्थित जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की दूसरी पुण्यतिथि पर सिटी पार्क में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के साथ विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की अपने पूरे जीवन काल में इस जिले के लिए बहुत कुछ किया है। अपने सांसद काल में उन्होंने कई बड़ी चीज़ों की स्थापना इस जिले में की है। उनके योगदानों को जिले के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। द्वितीय पुण्यतिथि और हमारे इस मुजफ्फरपुर के ऐसे वो नेता थे जो सबके प्राणों में बसते हैं, आज उनकी प्रतिमा पर मुजफ्फरपुर के सारे लोग, सभी पार्टी, सभी समाज के लोग आकर के पुष्पांजलि कर रहे हैं और जॉर्ज के किए हुए कामों का गुणगान कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ऐसा नेता जो भारतवर्ष में नहीं विश्व में जिनका नाम है, वैसे नेता को आज नमन हम लोग करते हैं और उनके बताए गए रास्ते पर, उनके किए हुए कामों पर, उस तरह से संगठन को जिस तरह से वो मजबूत करके NDA को रखते थे, उस आशय को हम लोग पूरी करेंगे और मुजफ्फरपुर बिहार के विकास में इनका जो चर्चा है वह चर्चा को करते हुए मुजफ्फरपुर बिहार के विकास और भारतवर्ष के विकास में इनके। नगर निगम कार्यालय के बाहर स्थित निगम के जमीन पर बने होटल सिद्धार्थ को न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती में खाली करवाई गई। शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित निगम मार्केट के प्रथम तल्ले पर खुले होटल सिद्धार्थ को मजिस्ट्रेट व भारी पुलिस बल की तैनाती में खाली कराया गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। अपर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी मनीषा को बतौर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट मनीषा की निगरानी में होटल के सभी कमरों को खाली कराकर जब्त किया गया। होटल खाली कराने को लेकर नगर थाने की पुलिस के अलावे पुलिस लाइन से भी एक सेक्शन फोर्स की तैनाती की गई थी, जिसके बाद होटल सिद्धार्थ के एक एक कमरे को बारी बारी से खाली कराकर सामान को जब्त किया गया। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट मनीषा ने बताया कि होटल खाली कराने को लेकर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में ही नोटिस दे दिया गया था। होटल संचालक द्वारा खाली नहीं किए जाने पर आज कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था को बनाए हुए इस होटल को खाली कराया जाएगा, जो भी सामान है उसको इनलिस्टिंग किया जाएगा और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होगा। बाकी जो भी है वो अगर न्यायालय में जो भी केस है, जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। ये अचानक नहीं खाली कराया जाए, पहले से नोटिस दिया गया है, कोई भी चीज़ अचानक नहीं हुआ है। कब नोटिस दिया गया था?
इसकी जानकारी नगर निगम से मिल जाएगी आपको। होटल संचालक धीरज वर्मा ने बताया कि नगर निगम के इकरारनामे के तहत होटल चल रहा है, अचानक नोटिस मिली कि इकरारनामा वैध नहीं है, आपको बता दें कि आपको इसे खाली कर दीजिए। उन्होंने निगम प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आगे न्यायालय का रास्ता अपनाएंगे। द्वारा मैं एक राजनामा के तहत मेरा जो है सो होटल चल रहा है, अचानक जो है सो मुझे नोटिस मिला है कि आपका एक राजनामा वैध नहीं है, आप इसको खाली कर दीजिए। आपका एक राजनामा आपका 15 साल के जगह पर आप 30 साल का करवा लिए। अरे 15 साल के जगह पर 30 साल का हम करवा लिए तो आपके सहमति से न करवाए हैं? आपकी सहमति से 30 साल का एग्रीमेंट किया गया है और जो इसमें इतना रुपया लगाएगा वो 15 साल का एग्रीमेंट आपसे काहे करेगा? और आप उस पर सहमत हुए तब ना हम एग्रीमेंट किए हैं। किराया जो तय था वही ना हम आपको देंगे। आप अनाप शनाप किराया मांगिएगा तो नहीं दिया जाएगा। और जो वो किराया जो है सो यह न्यायालय के आदेश से न्यायालय में जमा हो रहा है, दिसंबर 2020 तक का किराया जमा है। हमसे इनका किराया तय हुआ था 3 रुपए प्रति वर्ग फीट किराया, कार्पेट एरिया के दर से किराया मांगा है, किराया तय था और ये पूरा का किराया मांग रहे हैं जबकि ऊपर इनका और भी किरायादार है। समारणालय सभा कक्ष में AES की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। समारणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने AES को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, SKMCH प्रचार्य, सिविल सर्जन समेत जिला स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विगत वर्ष में किए गए कार्यों पर चर्चा की गई, साथ ही आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं इस पर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों और चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत वर्ष की भांति इस बार भी सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेंगे ताकि चमकी बुखार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं।
साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बरासा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा को लेकर जिले के सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू तथा कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी। जिले में 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं केंद्राधीक्षक को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की। इस दौरान SSP जयंतकांत, अपर संभारता राजेश कुमार सहित जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि जिले के 62 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा होनी है। 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक परीक्षा होगी। परीक्षा 2 पालियों में होनी है। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:30 तक, वहीं दूसरी पाली 1:45 से लेकर शाम के 5:00 तक होगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर तक धारा 144 लागू रहेगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी के साथ CCTV की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही परीक्षार्थी को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण रखने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अपर संभारता को इस परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर 138 स्टैटिक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि 18 गश्ती दंडाधिकारी व 6 उड़न दस्ता दंडाधिकारी बनाए गए हैं। से लेकर के 13 तारीख तक इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन के विषय में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इसके पश्चात मैट्रिक की भी परीक्षा होगी, उसके लिए अलग से फिर हम लोग बैठेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम जो केंद्राधीक्षक हैं इंटरमीडिएट में वो मैट्रिक में भी होते हैं और आप सभी लोगों को काफ़ी व्यापक अनुभव रहा है लगातार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का और त्रुटि रहित शांतिपूर्ण वातावरण में आपने अब तक परीक्षाएं आयोजित कराई हैं। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि विगत वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई 2013 में 12 में कि पूरे परीक्षा समिति की परीक्षा के आयोजन को लेकर कई जगह प्रश्न चिन्ह लगाए गए और उसके पश्चात से सरकार का यह बिल्कुल संकल्प रहा है कि हम लोग परीक्षा बिल्कुल सुचितापूर्ण और बाधा रहित आयोजित करें कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। इसके लिए काफ़ी इंडिपेंडेंस भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिला प्रशासन को दिया है, केंद्राधीक्षकों को दिया है और हरेक केंद्र पर CCTV लगाने की आवश्यकता होती है तो CCTV लगाया जाता है, वीडियोग्राफी की आवश्यकता होती है तो वीडियोग्राफी कराई जाती है और प्रश्न पहुंचाने की व्यवस्था से लेकर के पूरी परीक्षा प्रणाली में भी और जो उसका उत्तर पुस्तिका के संरक्षण, संधारण, जांच, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं पिछले 6-7 वर्षों में। आप सभी साक्षी हैं इस चीज़ के कि किस तरह से परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है, अधिकांश क्वेश्चंस अब ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। शाहू पोखर पर शतचंडी महायज्ञ के दूसरे दिन शतचंडी पाठ और हवन की गई। शाहू पोखर में चल रही 10 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ के दूसरे दिन शतचंडी पाठ ब्राह्मणों द्वारा किया गया और इसके बाद हवन आरंभ किया गया। शतचंडी महायज्ञ में जिले के प्रमुख पंडित शामिल हुए। महायज्ञ के उपरांत आरती की गई और भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। समिति के संयोजक ने बताया कि शतचंडी महायज्ञ 10 दिनों तक चलेगी, इसमें काफी संख्या में लोग शामिल होने आ रहे हैं। पोखर पर शतचंडी महायज्ञ प्रारंभ हो गया है। कल कलश यात्रा और गंगा आरती हुई थी और आज विधिवत
हम सुबह से सचंडी पाठ का प्रारंभ हो चुका है कई जगह से पंडितों के द्वारा, और साथ ही अभी हवन हुआ है और हवन के बाद आरती हुई है और प्रसाद वितरण हो रहा है, और यह कार्यक्रम 6 फरवरी तक चलेगा। प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक हवन होगा और 5:30 बजे आरती होकर पूर्णाहुति होगी। जदयू के नए जिलाध्यक्ष ने पदभार संभालते हुए कहा कि प्रखंड स्तर से मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इमली चट्टी स्थित जिला जदयू कार्यालय में नए जिला अध्यक्ष मनोज कुमार का स्वागत समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान जिला जदयू के कार्यकर्ताओं ने बूके और शॉल देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जदयू जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जदयू के नए जिला अध्यक्ष मनोज कुमार, जिला प्रवक्ता सह काटी के प्रत्याशी रहे मोहम्मद जमाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नए जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि पार्टी में अपेक्षित लोगों को अहमियत देकर उन्हें ऊर्जावान बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा इस बार बूथ स्तरीय कमेटी कागज पर नहीं बल्कि धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने पंचायत को मजबूत करने के साथ महिला, अल्पसंख्यक, महादलित, अति पिछड़ा समाज को उचित समाज देकर मुख्य धारा में लाने की बात कही। चलने का पहली प्राथमिकता, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर और जन जन तक पार्टी को पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी में कुछ विरोध भी होना शुरू हो गया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मुजफ्फरपुर है, आपसे ज़्यादा हमको ना लगता है कि हम जानते होंगे। थोड़ा बहुत लोग का यहाँ का जो कल्चर है, वैसे कल्चर से बचना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए। हर बार अच्छा बना, तब जब भी पार्टी जब भी बनाती है तो अच्छे लोगों को बनाती है। इससे पहले रंजीत जी थे, हरिओम जी थे, हर बार कुछ ना कुछ लोग करता रहता है, ऐसे करने से काम रहा। और जो लोग बार बार सबको करते हैं वह खुद पार्टी के नज़र में है, वो चीज़ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जितना अध्यक्ष बना है सबके सब गड़बड़ है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन सबका आप शुरू कीजिए, अभी पद लिए नहीं, काम शुरू किए नहीं, शुरू कर दीजिएगा, ऐसे चलता है थोड़े, ऐसा नहीं चलेगा। पार्टी ने इस बार आप पे भरोसा जताया, कैसे इसको निभाएंगे? निश्चित रूप से निभाएंगे। अभी तक जो भी मौका मिला है, जिलाध्यक्ष के रूप में 4 साल में किसान का रहा, 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा, और बहुत बढ़िया से निभाया, और इसको भी बहुत बढ़िया से मैं निभाऊंगा। वहीं मोहम्मद जमाल ने कहा कि सभी साथियों के साथ घर जाकर संगठन को मजबूत बनाने के साथ सरकारी काम को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। हम लोग का मुख्य काम है अपोजिशन जो लीडर जो भी बोलते हैं हम लोग के खिलाफ, उसका तो जवाब देना ही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों को बिहार के एक एक कोने में पहुँचाया जा रहा है। हम लोगों का फर्ज बनता है कि सरकार द्वारा किया हुआ जो कार्य है उसको एक एक जन जन तक पहुँचा करके और उनको बतावें कि बिहार सरकार पूरे बिहार को विकास करने में उनकी जितनी भूमिका है, लगता है भारत में कोई दूसरा स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें इतना ज्यादा काम हुआ, ज्यादा विकास हुआ। खादी ग्राम उद्योग परिसर में 3 दिवसीय गांधी आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। करौली स्थित खादी भंडार परिसर में 3 दिवसीय गांधी आर्ट फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। फेस्टिवल का उद्घाटन समाज सेवी संजीव कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में SDO पश्चिमी AK दास शामिल हुए। गांधी आर्ट फेस्टिवल के पहले दिन गांधी कथा वाचन, जट जटीन एवं लोक नृत्य तथा वज्जिका लोकगीत की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की गई। Thank you.
के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।